हेलो एवरीवन, मैं आशीष स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ए एस मैथमेकर्स इंडिया पर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पार्सल फ्रैक्शंस के बारे में, जो कि प्रॉब्लम सॉल्व कराएंगे टाइप फोर टाइप की क्वेश्चंस को। ये टाइप फोर टाइप के क्वेश्चंस किस तरीके से यहाँ पे डिफाइन होंगे, तो आइए इसको डिस्कस करते हैं यहाँ पे। तो ये टाइप फोर, इस टाइप से अपन जो यहाँ पे यूज करेंगे इसको कि क्वाड्रेटिक रिपीटेड फैक्टर्स, है ना। अगर आपका जो है डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक रिपीटेड फैक्टर्स अगर अवेलेबल होंगे तो उसको अपन कंसिडर करेंगे टाइप फोर से, है ना। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स को किस तरीके से जो है सॉल्व करेंगे, तो कुछ एग्जांपल के द्वारा यहाँ पे इसको अपन सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको किस तरीके से जो है सॉल्व करेंगे। तो इस टाइप का इक्वेशन या क्वेश्चन जो है आपका जो है टाइप फोर में आएगा। जैसे कि इक्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है, एक्सप्रेशन सॉरी, एक्स स्क्वायर अपॉन वन माइनस एक्स इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, है ना। तो अपन इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीख चुके हैं कि अगर इस टाइप का अगर फंक्शन दिया हो कि एक्स स्क्वायर अपॉन वन माइनस एक्स इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर ओनली, राइट। तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं अपन, एक्स स्क्वायर अपॉन वन माइनस एक्स इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर। इसको अपन लिखते हैं a अपॉन वन माइनस एक्स एज इट इज रहेगा। अगर यहाँ पे केवल वन प्लस एक्स स्क्वायर होता तो अपन ऐसे लिखते हैं इसको bx plus c अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। बट यहाँ पे क्या है, रिपीटेड फॉर्म में है, ये दो बार रिपीटेड है, पावर टू लगा हुआ है। तो अपन इसको अगला वाला टर्म जो लिखेंगे, ऐसे क्वेश्चन बस यही थोड़ा सा अलग है कि bx plus c तक यहाँ आ चुका है, यहाँ पे जो है आएगा ये, यहाँ पे आएगा डी एक्स प्लस ई, है ना। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं अपन डी एक्स प्लस ई, क्योंकि ए बी सी तक आ चुके हैं, ए आ चुका है, बी बी आ चुका है, सी इसके बाद बचेगा डी एक्स प्लस ई अपॉन इसका रिपीटेड टर्म, यानी कि वन प्लस एक्स स्क्वायर ये फुल स्क्वायर, है ना। इसको नंबर अपन देंगे एक। तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को जो है रिजॉल्व करते हैं यहाँ पे कि एक्स स्क्वायर अपन वन माइनस एक्स इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर दिया हुआ है, यानी कि ये जो है रिपीटेड मोड में है। तो अगर सिंगल होता तो हम सिर्फ इतना ही लिखते बी एक्स प्लस सी अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, बट ये रिपीटेड मोड पे है, दो बार रिपीटेड है, इसलिए हमने इसको यहाँ पे लिखा डी एक्स प्लस सी अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से जो ब्रेक करना आना चाहिए, बाकी कैलकुलेशन एज इट इज, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन हम कर चुके हैं बहुत सारे पार्सल फ्रैक्शन पे, बहुत सारी वीडियोज हम बना चुके हैं इस पे, तो आप जाके उन वीडियोज को पहले देख सकते हैं ताकि आपको आइडिया रहे कि किस तरीके से इनको जो है सॉल्व किया जाता है ना। बट इसको अपन यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे आगे इसको देखते हैं। लेफ्ट साइड में इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, एज इट इज लिखेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन वन माइनस एक्स इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पे इसका जब आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम जो आएगा तो एलसीएम आएगा वन माइनस एक्स इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, जो कि यहां पे लिखा हुआ है। तो जैसे ही इस वन माइनस एक्स से इस पूरे एक्सप्रेशन में आप डिवाइड करेंगे तो वन माइनस एक्स से वन माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, केवल बचेगा वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहां से आएगा ए इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस ये वाला जो लिखा हुआ है बी एक्स प्लस सी, इसको एज इट इज लिख लीजिएगा बी एक्स प्लस सी इंटू ब्रैकेट में ए वन प्लस एक्स स्क्वायर से आप इस पूरे एक्सप्रेशन में डिवाइड कर रहेंगे तो वन प्लस एक्स स्क्वायर एक टाइम कट जाएगा और बचेगा यहां से वन माइनस एक्स इंटू एक टाइम्स वन प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसे ही प्लस लगा हुआ है, प्लस लगा दीजिएगा, ये आ जाएगा यहां से डी एक्स प्लस ई, डी एक्स प्लस ई के बाद इस वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर से इस पूरे एक्सप्रेशन में जो आप डिवाइड करेंगे तो केवल वन माइनस एक्स बचेगा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे करना पड़ेगा, इसको अपन लिख देंगे वन माइनस एक्स। तो इस तरीके से जो है इसको कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे दोनों साइड अगर आप देखेंगे लेफ्ट और राइट साइड में दोनों साइड इक्वल है तो ये कैंसिल हो जाएंगे डिनोमिनेटर से, तो यहां से जो बचेगा वो होगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू जो लिखा हुआ एज इट इज रहेगा ये पूरा का पूरा वन माइनस एक्स इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई इंटू वन माइनस एक्स, इसको नाम दे दीजिएगा क्वेश्चन नंबर टू। तो यहाँ पे जो है इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं, जो कि प्रीवियस क्वेश्चन भी बहुत सारे कराए हैं, सेम एज इट इज ही सॉल्व करते हैं इसको, है ना। बट बस एक नया मेथडोलॉजी यहाँ पे ये आता है कि इस टाइप का जो फ्रैक्शन डिनोमिनेटर में जब रिपीटेड मोड पे होता है वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो उसको ब्रेक कैसे करते हैं, वो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है ना। बाकी कैलकुलेशन एज इट इज सेम है, जैसे कि प्रीवियस वीडियोज में हमने कराया हुआ है, और जो प्रीवियस वीडियोज है उनका लिंक जो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे तो आप वहां से जाकर उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे इक्वेशन नंबर टू बन गया, सो यहाँ पे लिख सकते हैं दिस इज एन इनइक्वालिटी, सो दिस इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स,
सो वी कैन टेक हियर फ्रॉम 1 माइनस एक्स इक्वल टू जीरो. सो लिख सकते हैं इफ वी टेक x माइनस 1 या 1 माइनस एक्स इक्वल टू जीरो, सो दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 1, पुट इन 2. जैसे ही आप यहां से 1 माइनस एक्स इक्वल टू जीरो लेंगे तो यहां से जो है x इक्वल टू 1 मिल जाएगा. उस x इक्वल टू 1 का वैल्यू अपन को रखना है इक्वेशन नंबर 2 में. तो आप 2 में x इक्वल टू 1 रखेंगे तो यहां से 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा. यहां पे देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो a ऑफ 1 प्लस 1 स्क्वायर यानी कि 1 प्लस 1 2 होगा, 2 का स्क्वायर जो आएगा आपका 4. इसको आप लिख लीजिएगा 1 प्लस 1 स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस, यहां देखिए अगर यहां पर इसको सॉल्व करेंगे b इंटू 1 प्लस c, यहां पे 1 माइनस 1 लिखना पड़ेगा आपको, x इक्वल टू 1 है, यहां पे आएगा 1 प्लस 1 स्क्वायर है ना, प्लस dx यानी कि dx की जगह 1 रखना है, dx प्लस e और 1 माइनस x मतलब 1 माइनस 1. इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे थोड़ा ध्यान से यहां पे देखिएगा, ये पार्ट तो बचेगा यहां पे क्योंकि 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो 1 प्लस 1 2 हो जाएंगे, 2 का स्क्वायर आपका आ जाएगा 4. यहां पे ये पूरा पार्ट आपका 0 हो जाएगा क्योंकि इस वजह से 1 माइनस 1 0 होगा, ये सबका मल्टीपल है इसलिए पूरे को 0 कर देगा. यहां पे ये वाला पार्ट भी पूरा 0 हो जाएगा क्योंकि ये 1 माइनस 1 0 कर देगा, इसका मल्टीप्लाई dx प्लस e में होगा, ये भी 0 हो जाएगा यहां से. ठीक है, तो आगे इसको जो है किस तरीके से आपको सॉल्व करना है आगे देखते हैं इसको. यहां पे अगला जो स्टेप यहां पे आएगा आप देख सकते हैं इसको, जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से तो 1 इक्वल टू a इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, तो 1 प्लस 1 स्क्वायर ये पूरा यहां से 0 हो जाएगा. राइट, तो इसको हम यहां पे सॉल्व किए हुए हैं 1 इक्वल टू a ऑफ 1 प्लस 1 स्क्वायर प्लस 0 प्लस 0. इसको यहां से थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो ये आ जाएगा 1 इज इक्वल टू a ऑफ 1 प्लस 1 आ जाएगा 2 का स्क्वायर. यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो 1 इक्वल टू a इंटू 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4. अब यहां से आप a का वैल्यू जब आप निकालेंगे तो 4 का यहां पे जो है डिवाइड हो जाएगा ना, तो आ जाएगा 1 अपॉन 4. तो a का वैल्यू यहां से मैं निकाल लिया है. अभी हमने b का c और d और e भी वैल्यू निकालने हैं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन 2 को जो सॉल्व करना पड़ेगा. तो इक्वेशन 2 यहां पे क्या दिया हुआ है देख सकते हैं, पहले यहां पे लिख लीजिएगा फ्रॉम 2. तो फ्रॉम 2 से क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर ये लिखा हुआ है आपका इक्वेशन 2, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यहां से इसको सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, तो यहां से आएगा a ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, a ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई इंटू 1 माइनस एक्स. ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था है ना. इसको जो है सॉल्व करना है यहां से, तो इसको एज इट इज लेफ्ट साइड में तो एज इट इज एक्स स्क्वायर रहेगा, कोई चेंज नहीं. यहां पे a लिखा हुआ है, यहां पे जो आप फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर जो कि होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसका जो है यहां पे यूज करेंगे. तो यहां से इस फॉर्मूले कैसे यूज करना है आप देख सकते हैं, जो पूरा फॉर्मूला लिखा है यहां पे हम a इक्वल टू 1 रखेंगे और b इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इस तरीके से जो इसको सॉल्व करेंगे. तो a एज इट इज रहेगा, उसके बाद a स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, b स्क्वायर बोले तो यहां पे बी स्क्वायर मतलब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, तो यानी कि एक्स स्क्वायर जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा एक्स फोर है ना प्लस 2ab. तो 2 तो ये है, a का वैल्यू 1 है और b का एक्स स्क्वायर है, तो आ जाएगा 2x स्क्वायर. ठीक है, तो इसका आप यहाँ से ओपन कर लीजिएगा इसको, जहाँ पे a इक्वल टू आपको 1 रखना है यहाँ पे और b इक्वल टू जो रखना है एक्स स्क्वायर. आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो यही आ जाएगा जो कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ना, प्लस बी एक्स प्लस सी को हम एज इट इज लिखेंगे, कोई चेंज नहीं इसमें. अब इसका इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से जो है 1 से जब पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अब माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस एक्स माइनस एक्स क्यूब. ठीक है, प्लस अब यहां पे डी एक्स प्लस सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो डी एक्स अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से आएगा डी एक्स इंटू 1 यानी कि डी एक्स माइनस डी एक्स स्क्वायर, dx का अंदर पूरा मल्टीप्लाई हो चुका है, अब e से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा प्लस का e माइनस ex, और इसको कैलकुलेट करेंगे यहां से तो यहां से जो आएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू a ऑफ x4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1. इसको आगे पीछे लिख लिया, x स्क्वायर को पहले लिख लिया फिर 2x स्क्वायर प्लस 1. अब यहां पे क्या करना है, यहां पे जो है बी एक्स अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका बी एक्स 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वी एक्स आएगा है ना, बी एक्स इंटू 1
प्लस बी एक्स का जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा यहाँ से बी एक्स क्यूब माइनस बी एक्स का जब एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा माइनस का बी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स फोर। अब c से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे इक्वेशन में तो आएगा c प्लस सी एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स माइनस सी एक्स क्यूब प्लस एज इट इज यहाँ पे ये लिखा हुआ, यहाँ पे ये बचा हुआ पार्ट जो लिखा हुआ है इसको एज इट इज लिख लेंगे यहाँ से, तो ये आएगा आपका dx एक्स माइनस डी एक्स स्क्वायर प्लस ई माइनस ई एक्स। इसमें कोई चेंज नहीं किया, एज इट इज लिखा हुआ जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। अब यहाँ क्या करना है आपको, ये पूरा पार्ट आ चुका है, इस पूरे पार्ट से आपको x4 के टर्म्स को अलग कॉमन लेना है, x3 जहाँ दिख रहे हैं उन टर्म्स को अलग करना है, x2 को अलग करना है, x को अलग करना है और कॉन्स्टेंट टर्म्स को अलग लिखना है। तो किस तरीके से इसको कैलकुलेट करेंगे आगे इसको देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं इसको लेफ्ट हैंड साइड में तो एज इट इज रहेगा एक्स स्क्वायर, कोई चेंज नहीं है, तुमने इसको एज इट इज एक्स स्क्वायर लिख रखा है यहाँ पे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ए एक्स फोर केवल यहाँ पे आ रहा है, इसके अलावा एक्स फोर यहाँ पे भी आ रहा है ना, और इसके अलावा एक्स फोर कहीं नहीं आ रहा है, राइट। तो यहां से जब ए से मल्टीप्लाई और कर लीजिएगा इसको तो ये आएगा ए एक्स फोर, इसको थोड़ा अगर मल्टीप्लाई करो ए का अंदर तो ये कुछ इस तरीके से आएगा ए एक्स फोर प्लस टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए, राइट। तो आप इसको थोड़ा कॉपी पेन लेके मल्टीप्लाई कीजिएगा, मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट लिख रहा हूँ। देखिए ए का मल्टीप्लाई एक्स फोर में करेंगे तो ए एक्स फोर आएगा और यहाँ पे बी एक्स फोर लिख रखा है ए वाला पार्ट, तो इन दोनों से आ जाएगा एक्स फोर कॉमन, तो ब्रैकेट में बचेगा ए माइनस बी, राइट। तो इसको हम लिख सकते हैं ए माइनस बी ऑफ एक्स टू द पावर फोर, क्योंकि एक्स टू द पावर फोर केवल यहीं आ रहा है, इसके अलावा एक्स टू द पावर फोर कहीं नहीं है। इसके अलावा हम बात करेंगे एक्स की पावर क्यूब की, तो अब इस पूरे एक्सप्रेशन को आप पहले वाले एक्सप्रेशन को देख सकते हैं, यहाँ पे एक्स क्यूब कहीं नहीं आ रहा है, एक्स फोर है और एक्स स्क्वायर है, तो इसको थोड़ा कैंसिल छोड़ेंगे यहां से। अब यहां पे देखिए ये आ रहा है आपका बी एक्स क्यूब, एक और यहां पे आ रहा है सी एक्स क्यूब, इन दोनों जगह केवल क्यूब आ रहा है, इसके अलावा क्यूब भी कहीं नहीं आ रहा है, राइट। इन दोनों कैलकुलेट करेंगे तो यहां से आ जाएगा, देखिए बी यहां से आ जाएगा माइनस सी, एक्स क्यूब कॉमन आ जाएगा, तो लिखिए इसको प्लस बी माइनस सी इंटू एक्स क्यूब। अब अगला टर्म आएगा एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर को थोड़ा यहां से देखेंगे इसको, अब इसको थोड़ा हटा लीजिएगा, ये पार्ट जो है सॉल्व हो चुका है। अब यहां से आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर के टर्म्स देखने कहां कहां आ रहे हैं ना, एक्स स्क्वायर के टर्म्स केवल देखना है, बाकी इनको हटा लेंगे है ना, क्योंकि क्यूब और एक्स फोर वाला काम कंप्लीट हो चुका है, अब केवल बात अपन करना एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर देखिए एक तो यहां आ रहा है, एक एक्स स्क्वायर आपका यहां पे आ रहा है, एक एक्स स्क्वायर आपका यहां पे आ रहा है और एक एक्स स्क्वायर आपका यहां आ रहा है, इन जगह पे जो है एक्स स्क्वायर आ रहा है। तो पहला देखिए ए का मल्टीपल है यानी कि टू ए एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहां से आएगा टू ए, राइट। तो प्लस का टू ए, यहां से टू ए आ गया, इसका काम कंप्लीट। अब यहां से आप देखेंगे माइनस बी एक्स स्क्वायर, तो यानी कि माइनस का बी आ जाएगा ब्रैकेट में, माइनस का बी, और देखिएगा इसको इधर फिर आ रहा है प्लस का सी एक्स स्क्वायर, तो यानी कि प्लस का सी, और लास्ट वाला जो पार्ट बचा हुआ है माइनस बी एक्स स्क्वायर यानी माइनस का डी, तो यहां से आ जाएगा माइनस डी, ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि इन सब में जो कॉमन आ रहा है वो क्या है एक्स स्क्वायर, राइट। तो आपके पास एक्स फोर का टर्म हो गया, एक्स क्यूब का टर्म हो गया, एक्स स्क्वायर का। अब आपको एक्स के लिए बात करना है, एक्स कहां कहां आ रहा है वो आपको चेक करना पड़ेगा। तो यहां से जब आप देखेंगे, देखिए इसको हटा लीजिएगा, अब आपको जो है बात करना है केवल एक्स के टर्म्स के लिए है ना, जहां जहां पे एक्स आ रहा है उसको अपन जो है कॉमन लेंगे। तो आप देख सकते हैं एक्स कहाँ कहाँ आ रहा है, यहां से इसको डिस्कस करते हैं। पहले वाले पार्ट में आप देखें कहीं भी एक्स नहीं आ रहा है, राइट। दूसरे वाले पार्ट में आप चेक करेंगे तो यहाँ पे बी एक्स आ रहा है और इसके अलावा जो है यहाँ पे माइनस सी एक्स आ रहा है और इसके अलावा यहाँ पे डी एक्स आ रहा है और यहाँ पे ई एक्स आ रहा है, राइट। तो इन पार्ट्स को जो है अपन लिखेंगे, तो पहले तो सबसे पहले आएगा यहाँ पे बी, इसको लिख सकते हैं प्लस बी, बी के बाद यहाँ पे आ रहा है माइनस सी एक्स, राइट। तो बी के बाद आ जाएगा माइनस सी, बी माइनस सी, और इसके बाद यहां से आ जाएगा डी, यानी कि प्लस का डी और माइनस का ई, यहां से आ जाएगा प्लस डी, प्लस डी माइनस ई ऑफ एक्स।
अब बात करेंगे सिर्फ कांस्टेंट टर्म्स की, कांस्टेंट टर्म्स जो है कहाँ कहाँ आ रहा है उसको अपन को ध्यान में रख के बात करनी पड़ेगी, ठीक है। बाकी अपन जो है x4, x क्यूब, x स्क्वायर, x के टर्म्स का कॉमन पार्ट जो अपन ले चुके हैं उसको अपने लिख चुके हैं, अब सिर्फ कांस्टेंट टर्म्स कहाँ कहाँ आ रहा है उसको देखना है। आप एक तो देखिए a इंटू जब आप 1 करेंगे तो एक तो a कॉमन आएगा यहाँ से, है ना, सॉरी कांस्टेंट टर्म a होगा तो इसको अपन लिख लीजिएगा कांस्टेंट टर्म्स को, यहाँ से इसको हटा लीजिएगा यहाँ पे, तो मैं कांस्टेंट टर्म को थोड़ा सा नीचे लिख रहा हूँ यहाँ पे, कांस्टेंट टर्म बचेगा 2। आप देखिए इधर a से जब 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो केवल a आएगा, राइट, तो यहाँ से प्लस में a, और यहां से जो बचेगा इसमें जो है कांस्टेंट टर्म्स आ रहा है केवल c, कांस्टेंट टर्म्स आ रहा है c, और यहां पे जो है ये आ रहा है e, है ना, तो यहां पे a प्लस यहां पे जो आएगा आपका c, तो प्लस का c लिख लीजिएगा इसको, तो a प्लस c, और कांस्टेंट टर्म्स मेरे ख्याल से एक तो यहां आ रहा है और एक प्लस का e आ रहा है, राइट, तो इसको e लिख लीजिएगा बस। इतने सारे जो है कॉमन पार्ट थे, यहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा रहती है, थोड़ा बारीकी से आप थोड़ा कैलकुलेट कीजिएगा इसको, ठीक है। अब इसको आगे थोड़ा सॉल्व करते हैं, किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, तो वही जो हम प्रीवियस वीडियो में लिखते आए हैं, कंपेयर एक्स फोर, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, एक्स एंड कॉन्स्टेंट टर्म्स बोथ साइड, देन आपको जो है x4, x क्यूब, x स्क्वायर, x एंड कांस्टेंट टर्म्स का जो है कंपेयर करना है बोथ साइड, दोनों साइड से। तो आप जब कंपेयर करेंगे यहां से, तो देखिए इधर लेफ्ट साइड में केवल x स्क्वायर का टर्म है, बाकी रिमेनिंग सब जीरो है, तो इधर राइट साइड में x4 का कोएफिशिएंट कितना है, a माइनस बी, राइट, और लेफ्ट साइड में जो है केवल x स्क्वायर, यानी x4 का कंपोनेंट यहां पे, x4 का कोएफिशिएंट लेफ्ट साइड में कितना है, जीरो है, तो इसको अपन जीरो लिख लेंगे, राइट। अब बात करते हैं x क्यूब के कोएफिशिएंट की, एक्स क्यूब का जो कोएफिशिएंट है वो है यहाँ पर राइट साइड में बी माइनस सी, जो कि आप यहां से देख सकते हैं, और लेफ्ट साइड में एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट जीरो है, तो इसको एज इट इज लिख लेंगे। इसी प्रकार यहां पे एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो है 2a माइनस बी प्लस सी माइनस डी इक्वल टू, यहां पे लेफ्ट साइड में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है, 1 इंटू एक्स स्क्वायर, राइट, तो यहां पे जो कोएफिशिएंट है वो 1 है, और राइट साइड में एक्स का जो कोएफिशिएंट है वो बी माइनस सी, बी माइनस सी प्लस डी माइनस ई इज इक्वल टू, लेफ्ट साइड में एक्स स्क्वायर है नहीं तो एक्स स्क्वायर, सॉरी लेफ्ट साइड में एक्स है नहीं तो एक्स का कोएफिशिएंट जीरो। अब कांस्टेंट टर्म बचा हुआ है उसको एज इट इज लिख लीजिएगा, ए प्लस सी प्लस ई इज इक्वल टू, लेफ्ट साइड में कांस्टेंट टर्म जीरो है तो ये आपका ऐसा ही रहेगा, है ना। तो इस टाइप से आपने जो है कैलकुलेट कर लिया ये। अब आपने प्रीवियस में आपने जो वैल्यू निकाला था, आप देखेंगे यहाँ पे मैंने एक वैल्यू कैलकुलेट किया हुआ था ए इक्वल टू 1/4, इस a इक्वल टू 1/4 को जो है मैं पुट करूंगा यहाँ पे इस इक्वेशन में, इसको नाम मैं दे रहा हूँ यहाँ पे a, इसको नाम दे रहा हूँ b, इसको नाम दे रहा हूँ c, और इसको d, और इसको जो है e नाम दे रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास जो a का वैल्यू कैलकुलेट करके आया था वो आप देख लीजिए, वो लिखा हुआ है 1/4, तो a का वैल्यू जो 1/4 आया था इसकी हेल्प से हम फ्रॉम a जो पहला वाला इक्वेशन यहाँ पे लिख रखा है a माइनस बी इक्वल टू जीरो, यहाँ पे हम a इक्वल टू जो है पुट करेंगे 1/4 माइनस बी इक्वल टू जीरो, तो b का वैल्यू भी जो है यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा 1/4, तो आपके पास a का वैल्यू आ गया, b का वैल्यू आ गया, आपको c का वैल्यू कैलकुलेट करना है ना, इसके लिए आप इक्वेशन नंबर b उठाइए, तो यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम b, जब b का यूज करेंगे तो b माइनस सी इक्वल टू जीरो, b का वैल्यू कितना है 1/4 माइनस सी इक्वल टू जीरो, तो c का वैल्यू भी कितना आ जाएगा 1/4, राइट, क्योंकि b इक्वल टू सी आ जाएगा ना यहाँ से, b माइनस सी इक्वल टू जीरो मतलब b इक्वल टू सी, राइट, तो b का वैल्यू 1/4 है तो c का भी 1/4 आ जाएगा। अब आपके पास a का आ चुका है, b का आ चुका है, c का, d और e आपको और कैलकुलेट करना है यहाँ पे, तो देखिए d का वैल्यू कहां से निकालेंगे अपन, देखिए a और c का वैल्यू यहाँ पे आप किन्हीं भी तीनों इक्वेशन में कहीं भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, आप फ्री हैं एकदम, आप चाहे तो c से निकाल सकते हैं इसको, d से भी निकाल सकते हैं और e से भी निकाल सकते हैं, इन वैल्यूज को इस्तेमाल करके, a b c की वैल्यू को इस्तेमाल करके, जैसे मैं इसी क्वेश्चन नंबर e का इस्तेमाल कर रहा हूं यहाँ पे, इसको लिख लीजिएगा फ्रॉम e, e से क्या आएगा आपके पास a प्लस सी प्लस ई, तो a का वैल्यू कितना है 1/4 प्लस c का वैल्यू भी 1/4 है प्लस e इक्वल टू जीरो, तो यहां से जो है आपका 1/4 प्लस 1/4 कितना हो जाएगा, आप इसका एलसीएम ले लीजिएगा
तो ऐसा कुछ आ जाएगा यहाँ पे। इसका एलसीएम आप लेंगे पूरे का, इसके नीचे ई के नीचे वन है तो एलसीएम इसका आ जाएगा फोर। तो आप फोर से फोर में डिवाइड देंगे वन टाइम्स जाएगा, तो यहाँ पे वन ही रहेगा, यहाँ पे भी वन आएगा, यहाँ पे जो आ जाएगा फोर ई इक्वल टू जीरो। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा वन प्लस वन यानी कि टू प्लस फोर ई इक्वल टू जीरो, है ना, यानी कि वन प्लस वन टू प्लस फोर ई, क्रॉस मल्टीप्लाई फोर का जीरो में करेंगे तो जीरो आ जाएगा, है ना। तो यहां से जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो मैं इसको थोड़ा सा यहां लिख रहा हूं इस साइड, आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में, तो 2 प्लस 4e इक्वल टू जीरो यानी कि 4e इक्वल टू माइनस 2। अब इस 2 को राइट साइड ट्रांसपोज किया तो माइनस 2 आया, यहां से जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो e इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 4, यानी कि 4 से इधर जो डिवाइड दे दिया हमने, यहां से और कैलकुलेट करेंगे तो e का जो वैल्यू आएगा माइनस 1 अपॉन 2 आ जाएगा। तो आपके पास a b c और e का वैल्यू आ चुका है, डी का वैल्यू कैलकुलेट करना है। डी का वैल्यू आप इक्वेशन नंबर सी या डी में से किसी को भी इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं, है ना। तो कैसे निकालेंगे इसको देखते हैं। तो इक्वेशन नंबर सी का मैं यूज कर रहा हूँ, इक्वेशन नंबर डी का यूज कर लेते हैं। तो बी माइनस सी प्लस डी माइनस सी यहाँ पे लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे जो है हमने वैल्यू यूज किया है, इक्वेशन नंबर डी यूज किया है, राइट। इक्वेशन नंबर डी क्या है, बी माइनस सी प्लस डी माइनस सी, जो कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है बी माइनस सी प्लस डी माइनस सी, इक्वेशन नंबर क्या है आपका डी। बी और सी का वैल्यू आपका आप कैलकुलेट कर चुके हैं, देखिए यहाँ पे बी और सी दोनों का वैल्यू आ रहा है 1/4, तो हमने लिख लिया है बी इक्वल टू सी इक्वल टू 1/4, क्योंकि बी और सी दोनों का ही वैल्यू क्या आ रहा है 1/4। और ई का जो वैल्यू हमने कैलकुलेट किया था आप यहां से नीचे देख सकते हैं, जो कि आ रहा है इक्वल टू -1/2, तो यहाँ पे ई का वैल्यू जो है -1/2 है। तो बी सी और ई की वैल्यू जो हम डी में रखेंगे इक्वेशन नंबर डी में, तो यहां से अपन को जो है वैल्यू डी मिल जाएगी। देखते हैं इसको, देन b का वैल्यू लिखना है आपको 1/4 और c का वैल्यू भी आपको लिखना है 1/4 प्लस d माइनस e का वैल्यू लिखना है -1/2 इक्वल टू जीरो। सॉरी ये आपका इक्वल टू में क्या लिखा हुआ है देख लीजिएगा, इक्वल टू जीरो लिखा हुआ है, तो यहाँ पे इक्वल टू ये जीरो, तो इक्वल टू में जीरो आ गया। 1/4 प्लस का है, 1/4 माइनस का कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से बचेगा d माइनस माइनस प्लस 1/2 इक्वल टू जीरो। डी इक्वल टू 1/2 राइट साइड ट्रांसपोज करोगे तो आ जाएगा -1/2। तो यहां से आपके पास सारा वैल्यू कैलकुलेट होके आ गया, ए का वैल्यू आपका 1/4 आ रहा था, बी का वैल्यू भी 1/4 है, सी का वैल्यू भी 1/4 है, डी का वैल्यू जो आया है आपका कैलकुलेट करके ये आप देख सकते हैं -1/2, और ई का वैल्यू भी क्या था -1/2। तो यहां से सारी वैल्यूज हमने कैलकुलेट कर ली है ए बी सी डी ई की, इन सारी ए बी सी डी ई की वैल्यू को उठा के आपको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। तो यहाँ पे एक लाइन लिखना, वैल्यूज ऑफ ए बी सी डी एंड ई पुट इन इक्वेशन 1, ये सारी वैल्यू का रखना इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन 1 आपका क्या है आप देख सकते हैं यहां से, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स। तो यहाँ पे आपको इक्वेशन नंबर 1 जो आया था वो ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, आप देख सकते हैं यहां से उठाया हुआ है हमने, जो शुरुआत में इक्वेशन नंबर 1 था एज इट इज पूरा हमने जो है इसको कॉपी किया हुआ है यहाँ पे, जो कि यहाँ लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको नंबर जो है 1 दिया था हमने स्टार्टिंग में, उसी का यूज कर रहे हैं। ये वो सारी वैल्यूज हैं ए बी सी, इन सब का वैल्यू जो है 1/4 आ रहा था, और डी और ई इन दोनों का वैल्यू जो है -1/2 आ रहा था। अब इन ए बी सी डी एंड ई का वैल्यू जो है आपको क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करना है। तो किस तरीके से पुट करेंगे देखिए, यहाँ पे ये आएगा आपका एक्स स्क्वायर, लेफ्ट साइड में कोई चेंज नहीं आएगा, एज इट इज रहेगा ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब आपका जो यहाँ पे जो पार्ट रहेगा ए का वैल्यू आपका 1/4 है, तो यहां से आ जाएगा 1/4 इंटू 1 माइनस एक्स प्लस बी का वैल्यू और सी का वैल्यू 1/4 है, तो यहां से आएगा 1/4 एक्स प्लस 1/4 अपॉन यहाँ पे आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का सिंपली सॉरी 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसके बाद डी और ई दोनों -1/2x, ये आएगा -1/2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। इसको थोड़ा आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो लेफ्ट साइड में कोई चेंज नहीं रहेगा, एज इट इज आएगा 1 माइनस एक्स इंटू
वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा वन अपॉन फोर इंटू वन माइनस एक्स। अब आप इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करके यहाँ से लिखेंगे तो यहाँ से जो है ये आएगा वन अपॉन फोर और ऊपर आएगा एक्स प्लस वन, वन अपॉन फोर एक्स प्लस वन इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ से आएगा ये माइनस वन अपॉन टू, आपको कॉमन लेना पड़ेगा तो माइनस वन अपॉन टू, ऊपर आएगा ये एक्स माइनस वन, सॉरी एक्स प्लस वन बचेगा क्योंकि माइनस वन अपॉन टू कॉमन लिया ना आपने, तो एक्स प्लस वन अपॉन टू इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से जो आपका सॉल्यूशन आएगा यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको, ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन है। तो हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया, एक इजिली तरीके से ए बी सी डी ई का वैल्यू पुट किया है क्वेश्चन नंबर वन में, और एक बेसिक कैलकुलेशन जैसे यहाँ से वन अपॉन फोर दोनों से कॉमन आ रहा है, सो कॉमन निकाल लिए, तो यहाँ से आगे वन अपॉन फोर, यहाँ से बचेगा आपका एक्स प्लस वन जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसे जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस वन अपॉन टू बाहर आ जाएगा, ब्रैकेट में एक्स प्लस वन बचेगा, तो माइनस वन अपॉन टू को हमने इस तरीके से लिख लिया, माइनस वन अपॉन टू इंटू एक्स प्लस वन अपॉन, डिनोमिनेटर में एज इट इज लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है इस टाइप के क्वेश्चंस को जो है कैलकुलेट किया जाता है। तो कैलकुलेशन एज इट इज बेसिक सेम है जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियोस में कराया हुआ है, बस यहाँ पे एक नया तरीका जो हमने बताया था आपको इक्वेशन नंबर वन को लिखने का, जो किस तरीके से उसको जो ब्रेक करते हैं, जब आपका जो है इरिड्यूसिबल वाला फंक्शन यानी इरिड्यूसिबल वाला जो टर्म है वन प्लस एक्स स्क्वायर उसका रिपीटेड मोड हो, तो उस तरीके से उसको ब्रेक करते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, तो इसके टाइप से और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए जा सकते हैं, आगे आने वाली वीडियो में कुछ और डिस्कस करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं रोकते हैं, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर कोई फिर भी कोई क्वेरी या डाउट्स हो तो आप जाके कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं, वहां हम जो है इसका जो है आंसर लिखने की कोशिश करेंगे। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, थैंक यू।